हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन मार्च के वीक टू के करंट अफेयर करने जा रहे हैं, टॉप 75 क्वेश्चन। तो जो चैनल पे नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी किया करो यार, और वीडियो को शेयर भी किया करो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अपन, टॉप 75, ठीक है। और लास्ट में टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। तो वीक वन जरूर देख लेना, और वीक वन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में अपलोड कर दी है। और जो भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, और वीडियो काफी कम टाइम में काफी नॉलेज देगी आपको, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें मैं बहुत सारी बताऊंगा। तो लिखने को तो 75 क्वेश्चन है, बट अपन लगभग 150 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बहुत सारे बता दूँ, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो देखना, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। क्विक फायर सेशन करेंगे अपन, फास्ट फास्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलेबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड ए प्लेटफॉर्म साथी, साथी की फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है साथी। तो अपन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस आईआईटी कानपुर, इन्होंने लॉन्च किया है साथी। साथी की फुल फॉर्म वैसे इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। और आईआईटी कानपुर ने अभी आर्टिफिशियल हेड बनाया था, उसका नाम है हृदय यंत्र, ठीक है, हृदय यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो सीजीए, 28th सीजीए कौन बने हैं, एक सेकंड, 28th सीजीए बने हैं वो है एस एस दुबे, ठीक है। और सीजीए अलग है, सीएजी अलग है। केग कौन है, अभी इंडिया के केग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो केग है जीसी मुर्मू, ठीक है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर अभी इनको जीसी मुर्मू को अपॉइंट किया है, एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बीएसई लिमिटेड एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए न्यू प्रोग्राम फिन पावर, फिन एम्पावर। फिन एम्पावर लॉन्च किया है बीएसई और यूनाइटेड नेशन वुमेन ने, और बीएसई ने मिलके लॉन्च किया है फिन ई पावर, एम्पावर, सॉरी, फिन एम्पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बीन रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक बाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा कौन सा एयरपोर्ट क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल, ठीक है। और क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। और क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में एशिया के अंदर टॉप पे कौन है, ठीक है, तो टॉप पे है बीजिंग एयरपोर्ट चाइना के अंदर, ठीक है। और इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रैंकिंग, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रैंकिंग के अंदर बेस्ट एयरपोर्ट है 2022 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और सेकंड पे है, और ये साथ में कंबाइन है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो सर्विस क्वालिटी की अंदर बात करें तो टॉप पे छत्रपति शिवाजी महाराज, इंदिरा गांधी दोनों है। क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं हर बार, ठीक है। थीम है इंपॉर्टेंट इसकी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। थीम है डिजिटल, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी के लिए इनोवेशन टेक्नोलॉजी जरूरी है, सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज बीन अवार्डेड द 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन बना है मीराबाई चानू को, ठीक है। ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। और भी अवार्ड दिए गए, बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भावीना पटेल, ये टेबल टेनिस से हैं। स्पोर्ट्स याद रखना, पूछ लेंगे कि भावीना पटेल किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रीतम श्रीवाच को दिया, ये हॉकी से हैं। बीबीसी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नीतू गंगास, बॉक्सर हैं, इंपॉर्टेंट है, एमर्जिंग प्लेयर नीतू गंगास को दिया। बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड लवली चोबी चौबे, रूपा रानी, पिंकी एंड नयन मोनी से किया। तो ये चारों हैं लोन बोल्स से, लोन बोल, ठीक है। तो इमर्जिंग प्लेयर वाला इंपॉर्टेंट है नीतू गंगास। नेक्स्ट है बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑथर। तो ये बुक लिखी है सज्जन प्रकाश सिंह ने, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट है द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड द थर्ड रेजिमेंट ऑफ द S-400 टाइम्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री। तो इंडियन एयरफोर्स को भी S-400 मिसाइल मिली है, ठीक है, रिसीव किया इंडिया थर्ड रेजिमेंट। तो ये रशिया से इंपोर्ट किया इंडिया ने, ठीक है। और ये S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन लिंक स्टार्ट किया है, वायु लिंक, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक हैज बीन रिलीज फॉर विच स्टेट। तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक रिलीज किया है सिक्किम के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, ठीक है। विच कंपनी हैज कमीशन इट्स 5000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड इन गुजरात। तो ये लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया स्टरलाइट पावर ने,
और ये 10th क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर है, स्टरलाइट पावर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। 36 वुमेन वॉश चैंपियंस वर कंफर्ड विद द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई विच मिनिस्ट्री। तो 26 वुमेन वॉश चैंपियन अवार्ड दिए हैं अभी, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिए उनको, ठीक है। कितने 36 वुमेन को ये अवार्ड दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ठीक है। वो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही ऑर्गेनाइज करवाती है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइज हैज लॉन्च्ड ए मिशन हर पेमेंट डिजिटल। तो हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया आरबीआई ने, ठीक है। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मनाते हैं 6 मार्च से 12 मार्च तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी आरबीआई ने बोला है कि वो 75 डिजिटल विलेज को अडॉप्ट करेगा, तो उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है, 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम, ठीक है। और जो आरबीआई का डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है जो 6 मार्च से 12 मार्च तक चलेगा, उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, अडेप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स। तो क्या क्या है एक बार वापस रिवाइज करते हैं। हर पेमेंट डिजिटल आरबीआई ने लॉन्च किया है, 6 से 12 मार्च तक आरबीआई का डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है, उसकी थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइव ट्रैकिंग ऑफ द ट्रेन्स अंडर रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। तो इंडियन रेलवे ने इसरो के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, ट्रेन को लाइव ट्रैक करने के लिए। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स टू कमांड ए मिसाइल स्क्वाड्रन इन द वेस्टर्न सेक्टर फेसिंग पाकिस्तान। तो एक मिसाइल स्क्वाड्रन को लीड करेगी, उस वुमेन ऑफिसर का नाम क्या है, वो है सालिजा धामी, ठीक है। जो वेस्टर्न सेक्टर को फेस करेगा वो मिसाइल स्क्वाड्रन को लीड करेगी, सालिजा धामी, ठीक है। और वैसे ही और भी वुमेन ऑफिसर न्यूज में थे, चेतना शर्मा, उन्होंने क्या किया, ये इन्होंने लीड की है आकाश मिसाइल को, जो 26 जनवरी के अंदर टेबलू दिन उसके अंदर आकाश मिसाइल को लीड की चेतना शर्मा ने, ठीक है। आकाश मिसाइल है सर्फेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट है, सीएपीएफ टेबलू को लीड किसने किया था, तो वो उन्होंने किया था कोमल प्रीत कौर ने, ठीक है। और जितने भी सीआरपीएफ की टेबलू आई थी उसमें सबसे बेस्ट टेबलू थी सीएपीएफ की, सीआरपीएफ की, ठीक है, सीआरपीएफ की बेस्ट थी। और जो जिस टेबलू को लीड किया है वो है कोमल प्रीत कौर ने किया, ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान पोस्टेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हु वाज पोस्टेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज अनाउंस ए पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एज्योर क्वांटम। तो एज्योर क्वांटम के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का भी इनिशिएटिव लॉन्च किया था, एयरबेंड इनिशिएटिव, जिसके अंदर वो प्रोवाइड कर रहे हैं 10 मिलियन पीपल को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का टारगेट है बाई 2025 तक। और कार्बन कैलकुलेटर फीचर भी मास्टर कार्ड ने, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया, ये कार्बन कैलकुलेटर मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, कार्बन कैलकुलेटर ये किया है मास्टर कार्ड ने, यहाँ हम सेम है तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पर मिस्टेक पकड़ में आ गई जल्दी। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन एमओयू विद विच कंपनी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन पब्लिक हेल्थ साइबर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो आंध्र प्रदेश ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए की है, वहाँ की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, पब्लिक हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी और प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड हो, तो उसके लिए पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की। पेटीएम को किसने ओन किया है, पेटीएम ओन बाई 197 कम्युनिकेशन, ये जापान की है, 197 जापान की है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द थर्ड, यहाँ पे थर्ड आएगा, थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन विच सिटी। तो थर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो किया न्यू दिल्ली में, थीम है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन ए क्लाइमेट चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट है, 18 क्वेश्चन, एम्स दिल्ली हैज साइन एमओयू विद द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ विच कंट्री टू असिस्ट इन कंडक्टिंग वेरियस एग्जाम। तो एम्स दिल्ली ने मॉरिशियस स्टेट पीसीएस, मॉरिशियस पीसीएस के साथ पार्टनरशिप की है, मॉरिशियस पब्लिक सर्विस कमीशन ने एम्स दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की है, एम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज बीन अवार्डेड द प्रिस्कर प्राइज 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में आएगा, सर डेविड एलन चिपर फील्ड। तो याद रखो, चिपर फील्ड डेविड चिपर फील्ड को दिया है प्रिस्कर प्राइज। प्रिस्कर प्राइज कौन से फील्ड में देते हैं, आर्किटेक्चर के फील्ड में देते हैं, और ये लंदन से है चिपर फील्ड, ठीक है। और प्रिस्कर प्राइज स्टार्ट हुआ था 1979 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस 2023 वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो 23वीं कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है गोवा के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। इसकी थीम है कॉमनवेल्थ लॉयर्स, कॉमन चैलेंजेस इन अनकॉमन टाइम्स, कॉमनवेल्थ लॉयर्स कॉमन चैलेंज हो रहे हैं इन अनकॉमन टाइम्स। विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेटअप वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट्स अंडर द वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव। तो वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव के अंदर गुजरात ने किया है, ठीक है। और अभी 36 नेशनल गेम्स हुए थे, नेशनल गेम्स वो भी गुजरात में हुए हैं, ठीक है, गुजरात की 6 सिटी में हुए हैं। और 37 होगा गोवा के अंदर जहाँ पे लॉ कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी। और 36 जो नेशनल गेम्स हुए हैं उनमें मेडल टैली पे टॉप पे है सर्विसेज,
है सर्विसेज, सेकंड नंबर पे कौन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन कॉल्ड मिलेट्स गिव अवे, तो मिलेट्स गिव अवे लॉन्च किया है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ने, ठीक है। और एपीडीएन है, एपीडीएन है लुलू के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए, टू प्रमोट मिलेट्स इन द गल्फ कंट्रीज। और मिलेट्स के लिए भी मेरा लॉन्च, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली। मेंबर स्टेट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैव एग्रीड ऑन द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हाई सीज, तो हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया है कि यूनाइटेड नेशन इसको प्रोटेक्ट करेगा, पहली लीगल बाइंडिंग ट्रीटी हो गई है हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और हाई सीज के लिए अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हाई सीज ट्रीटी को बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी पांचवी मीटिंग इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस वो न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट एंड स्पॉन्सर ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ, उसमें पांच टीमें थी टोटल, ठीक है। फाइनल मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है, और जो मैस्कॉट था वो शक्ति द टाइग्रेस, स्पॉन्सर है टाटा, ऑफिशियल स्पॉन्सर है, और ब्रॉडकास्टिंग राइट है वायाकॉम 10 के पास, और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है स्मृति मंदाना 3.4 करोड़, आरसीबी ने खरीदा था। इंडिया इज अनाउंस टू सप्लाई 20,000 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वीट असिस्टेंट टू विच कंट्री, तो 20,000 मेट्रिक टन इंडिया वीट देगी अफगानिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज वॉन एन ऑर्डर फॉर 2 ACH-160 हेलीकॉप्टर इन इंडिया, तो ACH-160 हेलीकॉप्टर के लिए जो ऑर्डर मिला है वो मिला है एयरबस, ठीक है। टाटा बस और एयरबस की भी डील हुई थी वडोदरा के अंदर, ठीक है। विच कंट्री हैज प्रपोज टू लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विथ फंडिंग ऑफ $100 मिलियन ओवर 5 ईयर, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए इंडिया ने प्रपोज किया है, और $100 मिलियन इंडिया खर्च करेगा उसके ऊपर, फंडिंग करेगा नेक्स्ट 5 साल के लिए। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क, तो मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो हेड बने हैं वो है अरुण सुब्रमण्यन, ठीक है, जज बने हैं ये। और मैसाचुसेट्स एयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज बने हुए हैं तेजल मेहता, ठीक है। तो मैनहट्टन के अंदर कौन है, अरुण सुब्रमण्यन, मैसाचुसेट्स एयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है तेजल मेहता। हु हैज बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, तो 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड हुए हैं अभी, उसमें अवार्ड मिला है शिप्रा दास को, ठीक है। अभी अपन ने प्रिजगर प्राइज भी याद किया था, वापस याद कर लेते हैं, प्रिजगर प्राइज आर्किटेक्चर में देते हैं 2023 वाला दिया है डेविड चिपरफील्ड को, डेविड चिपरफील्ड ये है लंदन से, आर्किटेक्चर है, याद हो जाएगा अब धीरे धीरे। नशा मुक्त भारत अभियान MOU साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रह्म कुमारी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने पार्टनरशिप की नशा मुक्त भारत के लिए, ठीक है। और ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल फॉर साइनिंग MOU बिटवीन इंडियाज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड नेशनल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तो इंडिया का नारकोटिक्स का जो हेड है वो और नाइजीरिया, इन दोनों ने अभी MOU किया है, ठीक है। और नाइजीरिया ने अपनी अभी जो करेंसी है 500,000 के नोट उनको डीमोनिटाइज किया है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर कमांड ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर वर्कशॉप इन द ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर विद चाइना, तो ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पर एक वर्कशॉप हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर की, उसको हेड कौन करेगा, वो कर्नल गीता राणा हेड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है जैस्मिन चट्टा है पंजाब के, वो उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू लीड पैराड ऑफ इंडियन पीस कीपर इन साउथ सूडान, तो साउथ सूडान में इंडियन पीस कीपर गए हैं अभी, तो वहाँ पे जो परेड हुई है उसको लीड किसने किया है, वो किया है जैस्मिन चट्टा, वही पंजाब से, ठीक है। और शालिजा धामी क्या करेंगे अभी, अभी अपन ने पढ़ा है शालिजा धामी जो पाकिस्तान की तरफ जो मिसाइल स्क्वाड्रन है ना उसको लीड करेंगे, मिसाइल स्क्वाड्रन को, ठीक है। निसार्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैज बीन हैंडेड ओवर टू इसरो, निसार हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच और स्पेस एजेंसी, तो नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है निसार को, ठीक है। नेक्स्ट है याओशेंग फेस्टिवल एंड भूमचू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट्स, तो याओशेंग फेस्टिवल मनाते हैं मणिपुर के अंदर, ठीक है। और इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव भी मणिपुर के इम्फाल में हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो भूमचू फेस्टिवल है वो सिक्किम के अंदर है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक इनिशिएटिव। विच कंपनी हैज साइन MOU विद केरला इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ए लाइट हाउस सॉरी लाइट वेट बेली ब्रिज, तो बेली ब्रिज के लिए केरला ने GRSC के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है। केरला इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड
इंजीनियरिंग ने जीआरएससी के साथ पार्टनरशिप किया लाइट वेट बेली ब्रिज के लिए, ठीक है। और जीआरएससी ने अभी आईएनएस अरनाला बनाया था, एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट शिप है, वाटरक्राफ्ट शिप है। आईएनएस अरनाला किसने बनाया? जीआरएससी ने। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड मिमोसा नेटवर्क फॉर 60 मिलियन US डॉलर? तो मिमोसा को किसने एक्वायर किया? वो किया रेडिसिस कॉर्पोरेशन है, और ये जियो की सब्सिडरी है, ठीक है। जियो की रेडिसिस ने एक्वायर किया मिमोसा को कितने में? 60 मिलियन डॉलर। द इंडियन कंटिजेंट फिनिश विद 8 मेडल्स एट द 74th स्टेंजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2023। इट वॉज हेल्ड इन, तो ये बुल्गारिया में हो रहा है, सोफिया में, ठीक है। तो 74वां स्टेंजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2023 में कहाँ हो रहा है? बुल्गारिया। विच कंपनी साइन एमओयू विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक एनआईटी सूरतकल फॉर कोऑपरेशन इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए एनआईटी सूरतकल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। तो एनआईटी सूरतकल काफ़ी टॉप एनआईटी है। जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था कोटा में, तो दो ही एनआईटी के बारे में ज़्यादा सुना था, एनआईटी सूरतकल और एनआईटी तिरची। तो काफ़ी अच्छी एनआईटी है ये। तो एनआईटी सूरतकल ने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। द 54th रेजिंग डे ऑफ द सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो सीआईएसएफ का 54वां रेजिंग डे 10 मार्च को आता है, 10 मार्च। और डायरेक्टर जनरल कौन है सीआईएसएफ के? शीलवर्धन सिंह, एसवी सिंह। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज वॉन गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। इट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये बर्लिन जर्मनी के अंदर हो रहा है, इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड है ना, बर्लिन के अंदर हो रहा है इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। गेट टूरिज्म अवार्ड हो रहे हैं बर्लिन के अंदर, और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को गोल्डन एंड सिल्वर अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइटर विंग प्रोडक्शन इन हैदराबाद? तो टाटा एडवांस ने लॉकहीड मार्टिन के साथ पार्टनरशिप की है, लॉकहीड मार्टिन प्लस टाटा, इन्होंने एमओयू किया है किसके लिए? फाइटर विंग प्रोड्यूस करेंगे हैदराबाद के अंदर, फाइटर विंग प्रोडक्शन इन हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट है, द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो सेकेंड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया न्यू दिल्ली में मनाया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने मनाया, और इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 कोलकाता में मनाया गया। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मंदाका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टेलिटी? द मंदाका उपनिषद लिखा है डॉक्टर करण सिंह ने, ठीक है। द मंदाका उपनिषद लिखा है डॉक्टर करण सिंह ने, और अभी रिसेंट में बुक आई थी इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, सज्जन सिंह यादव ने लिखी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन ए डील विद विच कंपनी टू प्रोक्यूर 6 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोक्यूर 6 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट इन 667 करोड़। और लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टुमाकुरा कर्नाटक के अंदर है। लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लगाई है, कहाँ पे लगाई है? टुमाकुरा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक ने अभी संतोष ट्रॉफी जीती है, 76 संतोष ट्रॉफी मेघालय को हराया, और किंग फॉर्ड स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम में। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट? तो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप की है, और इंडिया ने ECTA भी किया है 29 दिसंबर 2022 को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। और बिपिन रावत यंग ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, ठीक है। रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ लाइसेंस फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन फॉर जीन थेरेपी मेथड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ जेनेटिक आई एलिमेंट? तो जेनेटिक आई एलिमेंट को ट्रीटमेंट के लिए रिलायंस लाइफ साइंस को लाइसेंस मिला IIT कानपुर से। IIT कानपुर ने भी क्या लॉन्च किया? आर्टिफिशियल हार्ट हृदयंत्र। IIT कानपुर ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर साथ ही लॉन्च किया। IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इट व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट? तो IBA बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है 2023 की वुमेन्स वाली, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट है वीरा, ठीक है। एक सेकंड में पानी ले पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक? तो MD एंड CEO इंडसइंड बैंक के हैं सुमंत कथपालिया। फिक्की के भी नए लेटेस्ट डायरेक्टर जनरल थे शैलेष पाठक, और रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। एंड नेक्स्ट, MD एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD CEO है रोहित जावा।
नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेज रिटन ऑन ए सिंगल पर्सन, तो एक ही पर्सन पर सबसे ज्यादा एसे लिखे हैं, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है आसाम के अंदर, और वो लिखे हैं लचित बोरफुकान के ऊपर, ठीक है। और लचित दिवस 24 नवंबर को मनाते हैं। विद्यार्थी स्कूल, सॉरी विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम भी असम ने लॉन्च किया। असम वैभव 2023 किसको दिया है? तपन सिकिया है, डॉक्टर है, उनको दिया है। और 2022 दिया रतन टाटा को, असम वैभव। विच बैंक हैज साइन एमओयू विद सेंट्रल वार हाउसिंग कॉरपोरेशन टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग अंडर ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वार हाउसिंग रिसिप्ट के अंदर, तो PNB ने के साथ पार्टनरशिप किया, ठीक है। 51st क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो फर्स्ट वुमेन आइकन अवार्ड दिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने। 50 क्वेश्चन, 52, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एमओयू ऑन एस्टैब्लिशिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए इंडिया ने US के साथ पार्टनरशिप किया है। तभी अभी बैंकों में, बहुत सारे बैंकों में ATM नहीं आ रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो चिप है ना उसकी शॉर्टेज चल रही है, तो उसी के लिए इंडिया ने US के साथ पार्टनरशिप की है। और अब US की तरफ से जो एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, एम्बेसडर टू इंडिया, वो है एरिक गार्सेटी, ठीक है। इंडिया और US के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तर्कश, फिर ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, चेन्नई के अंदर हो रही है, ठीक है। और अभी सेमी कंडक्टर के लिए Fab4 अलायंस बनाए, Fab4 उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है? जस्ट जापान, US, साउथ कोरिया, ताइवान, बस इतना से याद रखो, जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है रिलीज द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कम्स अंडर इसरो, विच आर द टॉप थ्री मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड कहाँ पे होगा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो रुद्रप्रयाग है उत्तराखंड, वहाँ पे सब नंबर वन, सेकंड पर तिहरी उत्तराखंड, थर्ड पर राजौरी जम्मू कश्मीर, ठीक है, टॉप थ्री याद रखना। सिलिकन वैली बैंक हैज बीन कोलैप्स्ड, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ सिलिकन वैली बैंक, इसका हेडक्वार्टर सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया US, असेट कितनी थी? $212 बिलियन, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज ब्रॉट वर्चुअल डिजिटल असेट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के अंदर ला रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है जो भी वर्चुअल असेट क्रिप्टो करेंसी से जो भी पैसा आएगा ना उस सबको PMLA के अंदर 2002 एक्ट के अंदर रखना है, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैज इनोग्रेटेड वोट फेस्ट 2023 इन विच सिटी, तो वोट फेस्ट बेंगलोर के अंदर स्टार्ट किया है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो राजीव कुमार है, इलेक्शन कमिश्नर दो है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट कौन करता है? उसके लिए कमेटी है 3 मेंबर, उसके अंदर कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, ठीक है। और इलेक्थॉन 2023 भी स्टार्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 1.5 किलोमीटर एट श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन इन विच स्टेट, तो सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन है कर्नाटका के अंदर, ठीक है। सेकंड पे गोरखपुर 1.366 मीटर, और 76 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी संतोष ट्रॉफी के लिए, किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है, रनर अप है मेघालय। और 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था हुबली धारवाड़ के अंदर कर्नाटक के अंदर, और इसका मैस्कॉट था चंपी चिक्का, ठीक है। थीम थी विकसित युवा, विकसित भारत, विकसित युवा, विकसित भारत। और कौन सा एडिशन है नेशनल यूथ फेस्टिवल का? 26वां एडिशन है। नेक्स्ट है, विच हैज क्रिएटेड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हॉकी स्टेडियम कौन सा है लॉन्गेस्ट सीटेड? तो वो है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है, राउरकेला के अंदर है। और मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है अभी, उसका मैस्कॉट है होली, ठीक है, होली द टर्टल, और ये हो गया है फाइनल, जीता है जर्मनी ने, जर्मनी ने जीत लिया हॉकी वर्ल्ड कप। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 32nd व्यास सम्मान 2022 फॉर द नोवल पागलखाना मेंटल असैलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में आएगा ये। तो 32वां व्यास सम्मान जीता है ज्ञान चतुर्वेदी ने, झांसी UP से हैं। इसके अंदर 4 लाख का कैश प्राइज मिलता है, और जो व्यास सम्मान स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 1991 में, KK बिरला फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट 95th अकेडमी अवार्ड 2023, 95th अकेडमी अवार्ड उसमें बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू का, ठीक है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर है MM कीरावनी, लिखा किसने गाना? चंद्र बोस ने लिखा है, ठीक है। सिंगर हैं इसके दो, राहुल सिपलीगंज और काल भैरव, सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा अवार्ड भी मिले, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको दिया शॉर्ट फिल्म के लिए? द एलिफेंट विस्परर्स को, और ये एलिफेंट विस्परर्स कहाँ शूटिंग हुई है इसकी? वो ये मुडुमलाई नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है? कार्तिकी गोंसाल्विस, और प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा, ओके। नेक्स्ट है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है नवलनी, नवलनी
बेस्ट पिक्चर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्ट्रेस है मिशेल यू, मलेशिया की आई है, इंपॉर्टेंट है बेस्ट एक्ट्रेस, और इसी मूवी के लिए दिया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है ब्रेंडन फ्रेसर को दिया है द वेल के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है गुली गुलेर्मो गुलेर्मो डेल तोरोस पिनोशियो पिनोशियो को दिया है पिनोशियो। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म ये इंपॉर्टेंट है एनिमेटेड फीचर फिल्म पिनोशियो को दिया है। 15 क्वेश्चन और रखे हैं अपने। विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद फ्रेंच नेवी, तो फ्रेंच नेवी के साथ एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है उसमें पार्टनरशिप ले रहा है आईएनएस सह्यद्री और ये अरबियन सी में हो रहा है। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया फ्रांस के बीच में केरल के अंदर हुई है अभी। कटलास एक्सप्रेस हो रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा आईएनएस श्रीकंद। द आईबीएसए फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आईबीएसए इज अ ट्राई पार्टी फोरम बिटवीन इंडिया ब्राजील एंड विच कंट्री, साउथ अफ्रीका। ठीक है अभी इफ समर एक्सरसाइज हुई थी पोर्ट लुइस पे हुई थी। ठीक है इफ समर एक्सरसाइज इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका के बीच में, इंडिया यूएस और ब्राजील ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया BIU ब्राजील इंडिया यूएस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है बी से याद रखना बायोफ्यूल, बायोफ्यूल की स्पेलिंग क्या है BI आएगा ब्राजील इंडिया यूएस सीधी सी बात। ठीक है वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान वन हैज बीन कॉल्ड ऑफ, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो टेरान वन 3D प्रिंटेड रॉकेट किसने बनाया है, वो बनाया रिलेटिविटी स्पेस ने। ठीक है और अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है उसने पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन उसका नाम है अग्निलेट, और ये किसके अंदर फिट होगा, ये फिट होगा अग्निबान के अंदर। ठीक है व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन विच हैज रिसेंटली अफेक्टेड मोजम्बिक, तो लॉन्गेस्ट लिव ट्रॉपिकल साइक्लोन है साइक्लोन फ्रेडी, फ्रेडी मीन्स पागल होते हैं उसको बोलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द एमएसएमई कॉम्पिटिटिव स्कीम लीन स्कीम, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, इसके अंदर सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 90% ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट एंड एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 5% का फॉर एमएसएमई विच पार्ट ऑफ स्फूर्ति क्लस्टर एंड ओन बाई SC ST एंड लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है विच सिटी हैज स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव बेगर फ्री सिटी, ये नागपुर ने स्टार्ट किया बेगर फ्री सिटी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बाकी रह गए हमने, मैं भी लेता हूँ एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बींग डेवलप्ड इन विच सिटी, इंडिया का पहला पिलग्रिमेज कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ LIC, LIC के इंटरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोदी बने, फॉर्मर थे अमर कुमार। 146 असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो 146वीं मीटिंग हो रही है मनामा बहरीन के अंदर हो रही है, इंडिया की तरफ से ओम बिरला जाएंगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर, इसके प्रेसिडेंट है दुआर्ते पचेको। ठीक है ये पोर्तुगल से। हु हैज ऑथर द न्यू बुक ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज एंड रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट लिखी आशीष कुंद्रा ने, कितने गाजी आए कितने गाजी गए ये बुक लिखी है KGS दिल्लो ने। 10% रिजर्वेशन हैज बीन अनाउंस इन विच फोर्सेज रिक्रूटमेंट फॉर द एक्सरसाइज अग्निवीर, तो इसका आंसर है BSF, आंसर यहाँ आ गया थोड़ा इसका। BSF ने 10% रिजर्वेशन देंगे जो अग्निवीर है अग्निपथ स्कीम के अंदर, और BSF के डायरेक्टर जनरल है SL Thausen। फर्स्ट वुमेन के लिए कैमल राइडिंग स्टार्ट की BSF ने अग्निपथ स्कीम के अंदर, क्या 4 साल के तक रखेंगे फिर 25% को परमानेंट करेंगे 15 साल के लिए, बाकी को बोलेंगे घर जाओ मस्त ना दो क्या ना। ठीक है हु इज द हेड ऑफ द कमिटी विच हैज बीन फॉर्म्ड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द रेगुलेटरी फेलियर विद रेस्पेक्ट टू अडानी ग्रुप, तो अभी अडानी ग्रुप का एकदम से फेलियर हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई, उसका हेड है अभय मनोहर सापरा। लास्ट 3 क्वेश्चन विच हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो टू एक्सेप्ट CBDC को एक्सेप्ट करने वाला पहला मेट्रो है कोच्ची मेट्रो, और किसकी हेल्प से, IDFC फर्स्ट बैंक ने अनंतम ऑनलाइन पार्टनर के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। नेक्स्ट हु हैज चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली, तो ये स्टार्ट किया पीयूष गोयल ने बाय DPIIT। ठीक है तो ये हो गए 75 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग HP सक्सेस क्लासेस, और यार वीडियो को शेयर करो यार थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ, बाद में वीडियो बहुत हेल्पफुल मिलेगी आप लोगों को जब पेपर होगा, तो अभी से पढ़ने लग जाओ क्योंकि RBI असिस्टेंट आएगा वो पता भी नहीं चलेगा कब आया और कब गया, इसलिए बोल रहा हूँ अभी से प्रिपेयर करो। ठीक है वीडियो को लाइक करना। ओके गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग HP सक्सेस क्लासेस।